आप इस स्विमिंग पूल के पानी के अंदर बैठ के नहाने वाले लोगों को देखिए, वाटर लेवल कितना कम है, पानी के अंदर डूब ही नहीं सकता। इसलिए स्विमिंग पूल की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे हॉट ड्रिंक जो है बियर सप्लाई किया जाता है और ब्रेस्ट करने के लिए बेड है। ये देखिए बेड है, देखिए। वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी में ये स्विमिंग कहाँ पे है और इस स्विमिंग पूल में कैसे करके जाना है, सरिता वगैरह भी आपको बोलेगा। बियर पीने के बाद ये वाला वाटर गेम एकदम अलाउ नहीं है। दुनिया का बच्चा बच्चा हॉर स्टेशन को पहचानता है। आपको हॉर स्टेशन के बाहर निकल के बस स्टैंड में जाना है, बस स्टैंड के एंक्वायरी से पूछना है कि निको पार्क कौन सा बस जाएगा। हावड़ा के बस स्टैंड के एंक्वायरी ने बोला कि AC 12 बस ही जो है निको पार्क जाता है हावड़ा स्टेशन से। आपको 90 मिनट का टाइम लगेगा, इस पे बैठ जाइए। बस के अंदर बैठने के बाद आपको एक चीज नहीं भूलना है, आप प्रदीप्ता ब्लॉगर के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। AC 12 बस का स्टार्टिंग पॉइंट जो है हावड़ा का बस स्टैंड है। जिस बस में आपको कंफर्म सीट मिले उसी में जाइएगा और दिन भर में आपको बस मिलता रहता है, ये जान लीजिए। निको पार्क के बस स्टैंड में उतरने के बाद 10 मिनट पैदल चलने से आपको निको पार्क के मेन गेट तक आप पहुंच जाओगे। आप एंक्वायरी से पूछिए निको पार्क का वाटर पार्क का टिकट कितना है। ओनली वाटर पार्क का टिकट का रेट बहुत कम होगा। निको पार्क के वाटर पार्क के अंदर नहाना है तभी भी टिकट होना चाहिए। तो वाटर प्रूफ बैंडेड जो दिखता ना, ये बैंडेड यही टिकट है और कितना भी नहा लो एकदम नहीं भीगेगा। और निको पार्क के बाहर निकलने तक आपको इस टिकट को अपने साथ रखना है। वाटर पार्क में नहाने के पहले आपके साथ जितना लगेज सामान जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे रेंटल बेसिस पे जमा कर दीजिए, यहाँ पे टोकन ले लीजिए। नहाने के पहले टॉयलेट जाना है तो चले जाइए, मैनेजमेंट आपको रिक्वेस्ट करेगा। आप चेंज रूम को देखिए। जाते जाते आप प्रदीप्ता ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वाटर पार्क के अंदर बियर कहाँ पे मिलेगा, तो सामने देखिए बेड मिलेगा, बेड के साइड में कोने में दुकान मिलेगा, वहीं पे बियर मिलता है। ये देखिए ये बेड है और सामने दुकान है, वो दुकान दूर में वो दुकान है। जाते जाते आप प्रदीप्ता ब्लॉगर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।